नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बिहार के दौरे पर हैं, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में वह वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, वहीं दूसरी ही तरफ वह यादव वोट बैंक को साधने का पूरा प्रयास अब बिहार की सियासत में भी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं, क्या वह नीतीश कुमार की सरकार में एक बड़ा खेला करने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि एक वक्त देखा गया बिहार की सियासत में कि नीतीश कुमार बीजेपी खेमे की तरफ रहे, लेकिन आज देखा जाए तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के वह साथ हैं। ऐसे में लालू यादव और नीतीश कुमार की रणनीतियों पर क्या वह पानी फेरते हुए नजर आएंगे? जानकारी दे दें कि आज दोपहर तक वह पटना पहुंचेंगे और यहां पर उनका शानदार अंदाज में स्वागत भी किया जाएगा। आपको बता दें कि यहां पर दोपहर 1:10 पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल गांधी मैदान में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे और दोपहर 3:05 पर एक अन्य स्थानीय कार्यक्रम में ये शामिल होंगे, लेकिन शाम 4 तकरीबन बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में दर्शन पूजन ये करेंगे। मोहन यादव का ये दौरा काफ़ी खास है, इसे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पटना में वह सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले यादव समाज के सबसे बड़े सामाजिक संगठन श्री कृष्ण चेतना मंच के बैनर तले आयोजित सम्मान समारोह में सहभागिता करेंगे और यादव वोट बैंक को यहाँ पर साधते हुए नजर आ सकते हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव को सौंप रखी है और बीजेपी यहां पर एक बड़ी योजना की तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन तीनों ही राज्यों में जीत हासिल करने के बाद पुराने दिग्गज नेताओं को मुख्यमंत्री ना बनाकर नए चेहरों को आगे किया है, जिससे कि उन दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सके और इन नेताओं को प्रदेश की कमान सौंपी जाए। अब देखना यही होगा कि डॉक्टर मोहन यादव के जरिए क्या बीजेपी यादव वोट बैंक को बखूबी संभाल पाएगी, क्योंकि ना सिर्फ बिहार की सियासत में बल्कि यूपी की सियासत में भी हड़कंप तेज हो गया जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव कहते हैं आप एमपी संभालिए, हम यूपी संभाल लेंगे। अब ऐसे में देखा जाए शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी देखने को मिल रही है। शिवराज को लेकर यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वह लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में शिवराज को क्या कुछ अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा से वह चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।